और बात करते हैं बीकानेर की पीबीएम अस्पताल की, जहां पर विवाद आए दिन लगा रहता है। कुछ न कुछ विवाद पीबीएम के साथ में जुड़ा ही रहता है। दो दिन पहले एक पूर्व पार्षद की माता के निधन की लापरवाही का आरोप पीबीएम अस्पताल प्रशासन पर लगा और उसी के चलते पीबीएम के अधीक्षक सलीम से मिलकर के एक ज्ञापन यहां कांग्रेसी पार्षदों देने की कोशिश की। यहां पर पहले सिक्योरिटी गार्ड्स ने मना किया। पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड्स और इन कांग्रेसी पार्षदों के बीच में तू तू मैं की नौबत आ गई। मामला बढ़ता देख करके वहां का नर्सिंग स्टाफ भी आ गया और पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। कुल मिलाकर के दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी। यहाँ पर हमने बातचीत की पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक मोहम्मद सलीम से और जानने की कोशिश की कि पूरा मामला क्या है। आइए देखिए क्या कहना है मोहम्मद सलीम का। क्या उन्हें पता नहीं, लेकिन मैं जस्ट अभी आया था तो उसमें ये बताया कि गार्ड के साथ मारपीट की गई है। कांग्रेस पार्षद थे और गार्ड के साथ मारपीट की उन्होंने, और कोई ज्ञापन देने आए थे। हमने कहा ज्ञापन दे दो आप, ज्ञापन देते तो उन्होंने क्या है, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा किया, न्यूसेंस काफ़ी ज़्यादा की है, सर मारपीट की है हमारे गार्ड के साथ में, तो ये तो गलत है। सर रूम में भी काफ़ी हंगामा हुआ आपके आपके सामने भी? काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ और जितने पार्षद थे सब लोगों ने क्या है इस टेबल पर क्या है आप थोड़ो के बजा रहे थे। उनका व्यवहार बिल्कुल पार्षद की तरह नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कार्रवाई अब कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई? कानूनी जो भी कार्रवाई है कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। एफ आई आर लॉन्च है, वो भी करवानी पड़ेगी। इस हिसाब से हमारे जो है सिक्योरिटी वाले के साथ में मारपीट नहीं। पार्षदों का कहना है उनके साथ परिजनों की देख केयर नहीं करने के कारण से डेथ हो गई थी। नहीं, उसकी जो डेथ हुई है वो उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। हर एक कौन कोई चीज़ होती है, लेकिन उसकी इंक्वायरी होती है हर चीज़ की। ऐसा नहीं है अपन किसी पर ब्लेम करते हैं, इंक्वायरी होने बाद में हम देखेंगे क्या किसकी गलती रही है, किसकी गलती नहीं रही है, या है या नहीं है, ये सब चीज़ देखेंगे।